नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत को शमशार करने वाली एक बहुत ही गंभीर न्यूज आ रही है। वो शमशार भारत के ही लोगों ने किया है। दरअसल भारत के ही एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने शमशार किया है। ये न्यूज जो है भारत की सुरक्षा को लेकर के है। दोस्तों आइए समझते हैं कि पूरी न्यूज है क्या और भारत में किस तरह के इससे परिणाम आ सकते हैं भविष्य में, और भारत के लोग इससे कैसे बच सकते हैं भी समझते हैं। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है ISI, उसने भारत के एक वैज्ञानिक हैं जो DRDO से किसी तरह से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हैं, इनडायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं, उनको इन्होंने हनी ट्रैप में फंसाया है और उनसे कुछ जानकारियाँ ली हैं। आइए समझते हैं कि वह किस तरह की जानकारियाँ हैं ली हैं और इनको कैसे फंसाया गया। दरअसल दोस्तों गुजरात के एक लोग हैं, उनका नाम है प्रवीण मिश्रा भरूच जिले के अंकलेश्वर के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक में अपना अकाउंट बना रखा था, जिसमें एक सोनल गर्ग नाम की एक लड़की के नाम से ID से इनको रिक्वेस्ट आती है और वो अपने बारे में बताती है कि वो एक IBM कंपनी है, उसमें जॉब करती है चंडीगढ़ में। अब वो महिला है या पुरुष है ये अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन उससे इनकी बातचीत होनी शुरू हो गई। अब बातचीत होते होते इन्होंने अपना बता दिया कि ये DRDO के लिए काम करते हैं और ड्रोन और मिसाइल्स जो बनाती है कंपनी उसमें ये काम करते हैं, इनके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है और इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन उनको पास भी करी है, ऐसा बताया जा रहा है। इनको पकड़ा है गुजरात की CID ने। अब दोस्तों समझते हैं कि आखिर DRDO तक इनकी पहुँच हुई कैसे, ये डायरेक्टली DRDO को नहीं जानते। तो दोस्तों आपको बता दें DRDO वो संस्थान है, वो वैज्ञानिक वहाँ पे काम करते हैं जो भारत की डिफेंस को लेकर के हर एक चीज़ का निर्माण करते हैं। निर्माण का मतलब कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो लेबोरेटरी में रिसर्च होती है वो सारे काम DRDO करती है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी पूरी 52 लेबोरेटरी हैं, 52 लेबोरेटरी पूरे इंडिया में हैं, और कुछ चीज़ों की रिसर्च ये खुद करते हैं, फिर रिसर्च करने के बाद ये सामने किसी भी कंपनी को अपने ऑर्डर प्लेस कर देते हैं जिससे वो निर्माण करती है। मान लीजिए कोई मिसाइल बनानी है तो मिसाइल की रिसर्च तो इन्होंने कर ली कि मिसाइल ऐसे ऐसे बनती है, फिर वो सारी चीज़ें एक कंपनी को बताई कि ऐसे ये चीज़ें बनती है, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलें बना दीजिए, तो वो बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ बाहर की भी लेबोरेटरी हैं, बाहर की भी कुछ कंपनी है जिनको ये दे देते हैं। तो एक ऐसे हैदराबाद की लेबोरेटरी में प्रवीण मिश्रा काम करते थे, वहाँ पर ड्रोन बनवाए जाते थे भारत की रक्षा के लिए। DRDO से ये इस तरह से जुड़े, DRDO ने अपना काम उस लेबोरेटरी को दिया, वो अपना निर्माण काम में लग गई। उसके बाद इनके पास कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन पहुँच गई प्रवीण जी के पास, प्रवीण मिश्रा, और ये उस महिला के साथ ये पूरी तरह से फेसबुक में और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ गए। अब दोस्तों हुआ क्या कि ये जुड़े तो थे, अब उससे ये बातचीत करते थे, वो महिला थी या पुरुष थी पता नहीं, ये बातचीत करते करते इन्होंने कुछ अपनी तस्वीरें उस महिला के साथ शेयर कर ली, मैं यहाँ पे महिला ही बोलूँगा, इन्होंने उसके साथ शेयर कर दी। वो जो फ़ोटोज़ और जो चीज़ें थी वो आपत्तिजनक थी, वो एक बार इन्होंने जब शेयर कर दी तो अब वो जो सामने वाली पार्टी थी महिला, जो ISI की एक खुफिया थी, उसने इनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो, वो इन्फॉर्मेशन दो, अगर नहीं देते हो तो मैं आपकी ये फ़ोटोज़ आपके सोशल मीडिया में वायरल कर दूँगी। मतलब इस तरह से उनको धमकाना स्टार्ट किया और ये हनी ट्रैप में फंसते चले गए। दोस्तों खुफिया एजेंसी इस तरह की चीज़ें करती हैं, वो किसी महिला का सहारा लेती हैं जिसकी वजह से सामने वाले वैज्ञानिकों को दूसरे देश के फंसाया जा सके और लोग उसमें फंस भी जाते हैं। लोग ये नहीं समझते कि आखिर उनके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आप किसी महिला को आप ये देने जा रहे हैं, महिला देख कर आप फिसल गए, मतलब अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्या करने जा रहे हो आप ये नहीं समझ पा रहे हो।
अरे आपने अपना पैसा रुपया दे दिया होता तब भी समझ में आता, आपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर दिया। तो दोस्तों सेम चीज़ ये प्रवीण मिश्रा ने कर दिया। अब वो जो सोनल गर्ग है, अब उसका तो कुछ अता पता भी है नहीं, उस पर जाँच चल रही है, वो अब CID लगी हुई है और दूसरी एजेंसीज हैं वो उस पर जाँच पड़ताल कर रही हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि किस कितनी ज़्यादा गंभीर इन्फॉर्मेशन इन्होंने आगे पास कर दी, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तो सारी DRDO के पास होती है, ये किसी सेगमेंट में वहाँ पे काम देख रहे थे। लेकिन अब इन्होंने कितनी दे दी उससे भारत को कितना डैमेज हो सकता है ये तो भविष्य में ही पता लगेगा। लेकिन दोस्तों ये जो इन्होंने काम किया ये कहीं से भी माफ़ी के लायक काम तो नहीं है। अब दोस्तों हम लोगों को अपने कैरेक्टर पर भी काम करना चाहिए। हम क्यों ये मान के चलते हैं कि सामने वाला जब कोई बात कर रहा है तो हम में कोई इंटरेस्टेड ही है, भले वो कितना भी हमसे इंटरेस्ट अपना शो कर रहा हो। फ्री में कोई चीज़ मिलती है? जब अननेसेसरी कोई ऐसी चीज़ तो मिलती नहीं है अपने आप को, तो कोई सामने से चल कर आ रहा है, आप कैसे विश्वास कर रहे हो कि हमारे मतलब कुछ ऐसा है कि हमारे पर इंटरेस्टेड हो गया ये? दोस्तों हम लोगों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब इस पर कुछ अपडेटेड वीडियो आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।